कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा यहाँ आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। उस तरफ गई तो मुझे यह देखकर हैरत हुई कि दो लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीजें थमा रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। क्या मेरे दहेज का सामान? यह सोचते ही मुझे चक्कर से आने लगे। आगे बढ़कर मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा कि यह कौन है और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें क्यों दे रही हैं आप? मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई और तू यहाँ कैसे? तू कहाँ था ना कि जा सो जा, उनने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा। माँ जी मैं सो नहीं सकती, मैं जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझे पर ही गुस्सा करने लगी। मैं जो चाहूँ करूँ, यह मेरा घर है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी यह देखकर वह लड़के जल्दी से घर से बाहर, मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी, भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ही ली और बोली कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी, थोड़े दिन ही की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, मगर तू तो अपने सामान को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसलिए तुम्हारे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी कि मैं कभी भी उनको मना ना करती। फिर ना जाने क्यों उन्हें मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी बहस बढ़ी तो वह मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी मैं तुझे से बदला लेकर रहूँगी, तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है, मैं अपने उससे फ़ोन करूँगी और बताऊँगी कि रात को तुझसे दो लड़के मिलने आए थे। उनकी यह बात भी मैं समझ गई थी कि वह अब क्या चाहती है। एक बार फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई, लेकिन आखिर कब तक मैंने दिल में सोचा क्या है, इसकी तरह ब्लैकमेल होती रहूँगी तब तो यह सारी ज़िंदगी मुझे सारी बातें मनवाएगी, यह सोचकर ही मेरे दिल में डर सा आ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन मैं भी उनको सामने डट गई और लीजिए आप फ़ोन जिसे चाहो कर लो, मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज़ नहीं दूंगी। मेरी बात तो सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और वो बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। अब ना जाने क्या होने वाला, आगे गिर गई का गुस्सा कि किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, परदेश में मेरे पति को फ़ोन किया और मैं भी पास ही खड़ी थी। वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसके बारे में मैं कभी सोची भी नहीं थी, मगर उसकी बातों पे तो इस कदर जहर भरा था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ना मुझे फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डी अलग अलग कर दूं, मगर इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी मुझे कह दिया कि तुम माँ के मामले में मत बोलो, मैं तुम्हें कल सही से बात करूँगा। मेरा दिल कांप रहा था, वो बहुत गुस्से में थे। जाहिर है माँ जी ने उन्हें जो जो बातें कही थी वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके परदेश जाते ही मैं सही रास्ते से भटक गई थी और उनके पीछे उन्हें धोखा दिया। इस बात ने मुझे आंसू से तर कर दिया। सोचकर नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे ऐसा व्यवहार रखेगा। मुझे तलाक हो गई। एक हफ्ते अंदर तलाक के कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया गया। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है मेरा कसूर तो नहीं था, मगर मम्मी पापा परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा मैंने हाँ कर दिया, माँ बाप की मर्जी से शायद दी कर ली, पर फल मुझे यह मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई जिसने कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था और मैं उसी में खुश हूँ। यह मुझे बाहर घुमाने भी ले गए। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई, इस तरह सुकून से जी रही थी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा वह कैसी है तो वह उनकी हालत पर अफसोस करने लगी, बोली वह बहुत बुरी हालत में है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी
उनको शायद तुम पर जुर्म करने की आदत हो गई थी। जब दूसरी बहू आंचल उसके घर बहू बनकर आई थी तो वह बहुत खुश थी, लेकिन वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी। ढेर सारा दहेज भी साथ लाई थी, मगर आंचल ने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक बात ना मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती कि बुढ़िया का बस ना चलता। आंचल खूबसूरत भी थी और अमीर भी, इसलिए उसका कुछ रोब वैसे भी ज़्यादा पड़ता था। तुम्हारी सास तो तुम्हारी आदी थी, उसने सबको तुम्हारी तरह समझ रखा था। उसने आंचल के साथ भी वही चलाकी करने की कोशिश की। आंचल ने एक रात अंधेरे में उसे रंग हाथों पकड़ दिया। असल में तुम्हारी सास को शुरू से ही चोरी करने की आदत है ना, जाने उसे यह आदत क्यों है। हालांकि घर में भगवान का दिया सब कुछ है, मगर अपनी बेटी को अपनी बहू की चीज़ें देना उसकी औरत का पसंदीदा काम था। अपने बड़े बेटे की पत्नी का भी उसने यही हाल किया था। अब तो हाल यह है कि आंचल का दिल करे तो उसे खाना देती है, वरना सारा सारा दिन वह भूखी ही पड़ी रहती है। उसकी यही सजा होनी चाहिए थी। मैं जानती थी उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास का हाल सुनकर खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना एक घटिया इंसान होने की निशानी है, मगर सच तो यह है कि इंसान अपने कर्मों का सजा मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है कि कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।